मंच पर उपस्थित अपने अग्रज कवि और कवि मित्र को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा। क्या वो भी आज तक एक भी कवि माइक के साइज का पैदा नहीं हुआ। आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब, नहीं लग रहा कि यहाँ पे पहला कवि सम्मेलन है। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले श्रोता मिलते हैं, कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था, एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। कभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। तालियां बजाने वाली बात नहीं थी क्योंकि यह कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहां पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ रहे थे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे। तभी एक खड़ा हो गया बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीजें बेच दोगे। और अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया, बहुत अच्छे नहीं, वहां कवि सम्मेलन था। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई है। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। एक बार तालियां बजा दे, मैं शुरू होता हूं। वाकई में बहुत मन से सुन रहा है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मैं तो। हाँ, नहीं, बीच बीच में बोलते रहना है, ऐसा अच्छा लगता। मैं तो किसी जमाने में, सही बता रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ाता था आपसे छोटे बच्चों को। बच्चे आजकल के इतने उस्ताद हो गए हैं, किसी को भी निपटा सकते हैं, बातों ही बातों में निपटा देते हैं। मैं बता रहा हूँ, पढ़ाता था किसी जमाने में तो परीक्षा की कापी जांच रहा था। अच्छा, बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या कुतर्क दे सकता है भाई साहब। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा हुआ था, फलाने नेता कौन है, बच्चे ने लिख रखा था यह बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी कुछ भी लिखता है, लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता, हरे रंग का होता है और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बच्चे। वो एक नहीं, इतना उत्साह नहीं है। देखिए ये सलीका नहीं है वो, मुझे तो ध्यान है। एक बच्चा सब पूछा किसी ने कि नेता ने चारा खाया, इस वाक्य का भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस बनाओ, तो बच्चे ने लिख रखा था अब नेता दूध देगा। एक बच्चा उसका भी उस्ताद, उसने उसका भी भविष्यकाल लिख रखा था, बोले बाद में वो गोबर भी कर सकता। बच्चे नहीं छोड़, बच्चियां हैं यहाँ पर, बच्चियां तक इतनी तेज हो गई हैं आजकल। वो एक बच्ची से पूछा किसी ने, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक पर सीता जी वनवास में क्यों गई, तो बच्ची शर्माते हुए बोली सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में तीन तीन सास हो तो जंगली ठीक है। कुछ पता नहीं बच्चों का कब किसको निपटा दे।
एक दो कविताओं से शुरुआत करना चाहता हूँ। हम तो हास्य रस के कवि, हास्य कहीं से भी चलते फिरते मिल जाता है। अभी मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे एक मैटाडोर आ जाओ वैसे। चलो पीछे की तरफ जा रहा है, इसको ऊपर आना। मैं तो घबरा जाता हूँ। एक जगह कविता पढ़ रहा था, सामने से एक आदमी लठ लेके आ गया। मैंने उससे कहा भाई साहब बैठ जाऊँ क्या? बोले नहीं, आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलवाया। मैं यहाँ तो ये भी नहीं कह सकता आदरणीय सोडी जी ने हमें लेकिन बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। हाँ, कुछ कहना है क्या? वो इशारे से मुझे लगता है कि मैं बैठ जाऊँ। मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था। हमें तो शेरों शायरी भी कभी कभी रेडीमेड मिल जाती है। शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को उस शेर में व्यक्त कर रखा था। लिखा था, हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। दिल्ली में एक ऑटो के पीछे शेर देख लिया, वो भी बड़ा प्यारा शेर था। लिखा हुआ था, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, वो मुस्कुरा कर चल दिए, हम गेयर बदलते रहे। हंसी की बात है, चारों तरफ बिक्री पड़ी है। आपने ट्रक देखे होंगे, इतनी सारी बातें मिलेंगी। ऊपर लिखा रहता है पब्लिक कैरियर, हालांकि वो सामान ढोने के काम में आता है। पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इसलिए मैं सभी ट्रकों को बड़ी अच्छी नजरों से देखता हूँ, खामोखा अपना मुंह काला क्यों करवाऊं। वैसे मुझे पता है ट्रकों को अच्छी नजरों से कोई भी नहीं देखता। मैं तो जब बाजार से निकलता हूं, मुझे लगता है सबके मुंह काले हैं, जरूर किसी ट्रक को बुरी नजरों से देखा हो। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती दोस्तों, ये ट्रक वगैरह तो अफ्रीका में भी चलते होंगे। वहां ट्रकों के पीछे क्या लिखा रहता हो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। अच्छा, एक बात और भी है, अगर हमें कभी बाई चांस बुरी नजर डालनी ही पड़ी तो क्या हम ट्रक पर डालेंगे? भाई सड़कों पर एक से एक सुंदर, एक से एक हसीन मारुतियां घूमती हैं। उन पर नहीं डालेंगे, हमारा करेक्टर ऐसा थोड़ी हो गया ट्रक पर बुरी नजर डालेंगे। कुछ ना कुछ लिखवाते रहेंगे, ट्रकों के पीछे लिखवा देंगे, देखो मगर प्यार से। मैं एक दिन एक ट्रक को पूरे 1.5 घंटे तक देखता, मुझे एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जिसे प्यार से देखा जा सकता। अच्छा दोस्तों, ये ट्रक वगैरह दुर्घटना हो जाती है, करुणा का विषय है, पर कभी कभी हंसी आती है एक्सीडेंट देख के भी। गर्मियों की बात है, मैं शिमला जा रहा था, मैंने देखा एक ट्रक खाई में गिरा हुआ था, और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। और उसे खाई में सुनहरा कल नजर आ रहा। कुछ और आगे गया, एक और ट्रक मिला, वो भी खाई में गिरा हुआ था, लेकिन एक पेड़ के सहारे अटका हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था, एक तेरा सहारा। जैसा इसी के लिए पैदा हुआ। ये तो कुछ भी नहीं, लोग बाग कभी कभी शौक शौक में फिल्मों के नाम लिखवा देते हैं गाड़ी के पीछे। एक मारुति कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट देखा, मारुति कार के पीछे लिखा हुआ था, सावन को आने दो, और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, आया सावन झूम के। अब आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बहुत वरिष्ठ कवि हैं। वो अभी इन्होंने पिछले दिनों एक नई होंडा सिटी कार खरीदी, मेरे पास तो खैर पहले से ही थी। आप हंस कर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? मुझसे कहने लगे, भाई इसके पीछे कौन सी फिल्म का नाम लिखवा दूं? मैंने कहा लिखवा दो, मुझे जीने दो। वो बोले नहीं, मेरे पड़ोसी के पास ट्रक है, उसने पहले से ही लिखवा रखा है, जीने नहीं दूंगा। कहां कहां से हमें हंसी मिलती है। एक छोटी सी कविता पहले आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत मन से सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत साधुवाद आपको देता हूँ, इतने बढ़िया श्रोता, और इस विश्वविद्यालय में मैं आपके सभी के भविष्य की दिन दुनी रात चौगनी आप उन्नति करें यह कामना करता हूँ। वाकई में बहुत बढ़िया सुंदर। अच्छा, हमें हाथ से और कहाँ से, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, कभी कभी पूरा समय नहीं होता अखबार पढ़ने,
खाली हेडलाइन पढ़ करके काम चला लेते हैं। कभी कभी अकेली हेडलाइन अकेला समाचार आपको हंसा सकता है। इस तरह के प्रयोग आप रोज घर पर बैठ के कर सकते हो, आपको हंसने के लिए नया कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। वे ध्यान है, एक दिन एक अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर हंसा दे, ज्यादा जल्दबाजी में हो दो खबरों को मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात पैदा होती है। वे ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। मित्रों, इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हॉलैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने मेरे से पहले किए। एक नया प्रयोग इसमें मैंने किया, एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा रेलों में, बसों में, ट्रकों पर तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं, दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात, कुछ खबरें आप तक पहुंचाता हूं। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई, बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो एक एक सुधी श्रोता से आशीर्वाद चाहूंगा। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा, बात आपके दिलों तक पहुंचे तो 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं, वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिले। और अगला जोड़ा बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, जो एक सवा साल पहले हमारे देश में घटी। प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करता है। बड़े मन से आप लोगों ने सुना है एक कविता विशेष, जिसका आदेश जो बसे हैं वो कवि सम्मेलन के बाद ही रवाना होगी, इसलिए आपको मजबूरन बैठना ही पड़ेगा। वॉल्यूम कम कर दिया। हेलो, आप ठीक? एक कविता विशेष आपको सुनाना चाहता हूँ, हालांकि उसका समय नहीं है, मैं रात को एक अक्सर कविता सुनाता हूँ। मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए हैं मित्रों, मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं यह तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को देखा है तब से मुझे भी विश्वास होने लगा कि कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। मुझे भूतों के बारे में घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं, वो आदमी उस गांव में गया, उसके पास जाके बोला भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। और उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, वो तो खड़े खड़े ही मर जाओ। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी, ये तो भूत की कविता सुनते ही चल दी। इतने डरपोक छात्र भी हैं क्या? कोई बात नहीं, बहुत से लोग डरते हैं, क्या करें। कविता की शुरुआत देखना कितनी अंधियारी रात, भौंकते कुत्ते। मुझे नहीं पता था कुछ यहाँ पे भी है। जुड़कर सुने, एक बार तालियां बजाएं, मैं सीधा सीधा कविता से दौड़ता हूं।
अंधियारी रात भौंकते कुत्ते सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए क्या? नहीं डरे तो आप डरो। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे। तो पूरी व्यंग की कविता एक एक पंक्ति आप सुने गौर से, आपको आनंद आएगा। आपस में बतिया रहे थे आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे, पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता, और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं फालतू पढ़ में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से बाहर निकलता हूं मन ही मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाए। बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, बे ये कल रात ही शहरों कर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। अबे वहां पे सफेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और अगली पंक्ति अगर आप तक पहुंचती हो तो एक एक सुधी श्रोता से आशीर्वाद चाहूंगा, पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। हाँ, अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो, सुना ये पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है, रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, यह जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वाकआउट वाकआउट वाकआउट। एक भूत बोला, भाई नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रही हूँ, जो यहाँ पर उपस्थित है मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूँ। वैसे मैं भी क्या क्षमा मांगू, ये बात तो भूत कह रहे हैं। और मित्रों देखना मैंने मुहावरे का प्रयोग किस तरीके से किया, ये जो खाकी वर्दी वाले ना, इनसे भी बच के रही हो, अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे, फिर हम क्या कर लेंगे, आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे।